एसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, इस बारे में काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि एसी में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इससे बीमार पड़ सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि एसी में वर्कआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले एसी का पर्पस जानना जरूरी है कि जिम में एसी होता क्यों है। तो बेसिकली उस एसी का पर्पस ये होता है कि जिम के अंदर वेंटिलेशन बना रहे, टेम्परेचर नॉर्मल रहे और सफोकेशन ना हो। क्योंकि देखिए, मोस्टली जिम्स जो होते हैं वो क्लोज्ड एरिया में होते हैं, यानी चार दीवार और एक छत के नीचे होते हैं, तो वहाँ पे वेंटिलेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, होता ये है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, यानी हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ती है। और जिम में हमारे अलावा और भी कई लोग होते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है। तो अगर आपके जिम में एसी ऑन नहीं है और वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से होगा क्या कि रूम का टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी राइज होता रहेगा, जिस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, सफोकेशन फील होती है, चक्कर भी आते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और कोई बेहोश होकर गिर भी सकता है। तो एक्सरसाइज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एसी का टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं रखना है, क्योंकि उससे ठंडक बढ़ेगी और उस वजह से आपको कोल्ड भी हो सकता है या फीवर भी हो सकता है। और आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है, क्योंकि उसकी वजह से गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो इसलिए आपको एक मॉडरेट टेम्परेचर रखना है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म।